हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिकन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पेट्रोनिक का K2 कॉम्बो वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये बेस्ट बजट वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है ब्लू 1000 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड, इसको हमने अमेजोन से 999 का ऑर्डर किया था। इसका बाइंग लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर एक्स्ट्रा कीबोर्ड आपको अगर चाहिए तो ये पेट्रोनिक K2 कॉम्बो वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं पेट्रोनिक K2 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो। अमेज़ॉन से फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आया है। चलिए इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने ये रेड एंड ब्लैक कलर का पेट्रोनिक वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड ऑर्डर किया है। ये फ्रेंड्स हमें ज़्यादा बेटर लगा। इसका एक कलर और अवेलेबल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है उसको भी परचेज कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे बॉक्स में ब्रांड नेम पेट्रोनिक्स है, मॉडल आईडी K2 कॉम्बो POR372, कलर ब्लैक, जेनिक नेम वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, और MRP है 1499, जो कि हमको अमेजोन से 999 का हमने इसको ऑर्डर किया था ऑफ़र में। प्राइस वेरी करता रहता है, आप किस समय ऑर्डर करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है। सबसे ख़ास बात इसमें यही है जो कि हमने इसको ऑर्डर किया, ये बैग वगैरह में रखने में काफ़ी, कैरी करने में काफ़ी अच्छा है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी मतलब इसका जो की है वो काफ़ी साइलेंट है, ऐसा कंपनी क्लेम करता है। तो चलिए देखते हैं, ओपन करते हैं। पेट्रोनिक K2 कॉम्बो मैच मेड फॉर अनमैचेबल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लोगो है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैग ओपन, ये बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव ये एक पेपर रखा हुआ है। यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसका साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ये रो 336 का है। इसके बटन यहाँ पे है, डिलीट बटन इधर है, और काफ़ी प्रेस करने पे बटन काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। नंबर आपको मिल जाता है, कैप्स लॉक फंक्शन की विंडोज़ का बटन मिल जाता है, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक, तो काफ़ी सारे इसमें सभी लगभग सभी इम्पॉर्टेंट बटन की आपको मिल जाता है। बैक स्पेस डिलीट, और इसका जो थिकनेस है ये इधर थोड़ा सा मोटा है, आप देख रहे हैं होंगे, और उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड पतला है। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर मिल जाता है, और ये पेट्रोनिक का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल भी है। उसके बाद आप अगर कीबोर्ड को थोड़ा सा अप करना चाहते हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी लगाने के लिए है। ये फ्रेंड्स माउस, और ये आपको पेंसिल भी यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको माउस मिल जाता है फ्रेंड्स। माउस का जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको K2 कॉम्बो मॉडल नंबर POR372, इनपुट 1.5 वोल्ट
11MA बैच नंबर 0822। उसके बाद ये जो आपको स्लाइडिंग बटन है ये हैबिट हो जाएगा तो ये भी आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इसका जो क्लिकिंग साउंड है बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। और स्विच का भी क्लिकिंग साउंड उतना नहीं है, साउंड काफ़ी नॉइज़लेस ही आप समझिए एक तरह से। तो चलिए इसको, इसमें यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये रिसीवर मिल जाता है कनेक्ट करने के लिए, ये इंडिकेटर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2.4 GHz वायरलेस टेक्नोलॉजी है, मल्टीमीडिया शॉर्टकट के फंक्शन है, साइलेंट बटन डिज़ाइन सॉफ्ट एंड साइलेंट बटन ये क्लेम है, इंटेलिजेंट एनर्जी सेविंग डिज़ाइन है। तो अलग से कोई स्विच नहीं है ऑफ करने के लिए, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका बैटरी जो माउस में और कीबोर्ड में लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली एनर्जी सेव करेगा, फालतू में बैटरी आपका कंज्यूम नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है, देखते हैं बाकी यूज़ करने के बाद कैसा कितना लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चलता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, कॉम्पैक्ट साइज है, मैक्सिमल एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिएगा, हम इस पेट्रोनिक K2 कॉम्बो वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड को लैपटॉप में, मोबाइल में और टीवी में, तीनों में चला के दिखाएंगे कि ये सपोर्ट करता है कि नहीं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले, और ये कुछ यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, और ये माउस और ये बैटरी बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप इसका साइज़ देख सकते हैं, साइज़ कितना कॉम्पैक्ट है, ये बिल्कुल ये आप देख रहे हैं लैपटॉप और माउस दोनों कनेक्ट लैपटॉप के बराबर नहीं है। ये जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है और इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं। चलिए इंची टेप से भी आपको दिखा देते हैं, इसका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है फ्रेंड्स वो 11.4 है, और जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है उसका साइज़ जो है 17.7, तो इतना अंतर है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों कीबोर्ड में, लेंथ में आप इसको कैरी करने में काफ़ी आसानी होगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो बस इसको हमने इसीलिए ऑर्डर किया है कि आप इसको कैरी भी कहीं भी आसानी से कर सकते हैं, और नॉइजलेस कंपनी क्लेम कर रहा है। तो अगर आप रात में अगर कोई सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर आपको ये काम करना है लैपटॉप में तो ये काफ़ी अच्छा बात है। तो चलिए चलते हैं, अब इसमें बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पे दो इंडिकेटर मिल जाता है आपको, एक कैप्स लॉक का, एक बैटरी इंडिकेटर। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें अब बैटरी इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसा काम करता है, दो बैटरी भी इसमें प्रोवाइड हो जा रहा है तो ये अच्छी बात है। चलिए बैटरी अब इसमें इंसर्ट कर देते हैं, दो आपको AAA बैटरी लगेगा इसमें, स्मॉल साइज नहीं। फ्रेंड्स ये बैटरी लग गया, हमने इंसर्ट कर दिया है और ये वर्क कर रहा है काफ़ी फाइन। चलिए आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देते हैं। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कॉटन पे ही रखा है, लेकिन काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है, आपको शायद दिख रहा हो। चलिए कुछ टाइप कर देते हैं, चलने में काफ़ी अच्छा है, साउंड भी उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, रिस्पांस काफ़ी तेज है। इसका जो बटन का जो एक्सपीरियंस है, टच एक्सपीरियंस, वो काफ़ी बेटर है फ्रेंड्स। आप इसको यूज़ करिएगा तो आप खुद ही इसमें आप फील करिएगा। चलिए चलते हैं अब इसको मोबाइल में, देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली एक ये टाइप सी
अगर आपके पास मोबाइल है तो ये लगेगा, आप अपने मोबाइल में लगा दीजिए, और ये जो रिसीवर है इसको आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, 2.4 GHz रिसीवर डिफ़ॉल्ट यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी स्मूथ वर्क हो रहा है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ्रेंड्स ये रिसीवर टीवी में लगा दे रहे हैं, उसके बाद टीवी को ऑन कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये टीवी ऑन हो गया है, फ्रेंड्स ये देखिए माउस वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छे से, ये दिख रहा है हाथ के सरफेस पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये टीवी में भी वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छे से, टीवी में काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है ये। 2.4 GHz इसका रिसीवर है तो काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पेट्रोनिक K2 कॉम्बो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, टीवी में भी चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा, आप लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड देखा आपने ये पेट्रोनिक का K2 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड, हमने लैपटॉप से तो कनेक्ट किया ही, आप जो है इसको मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, MI TV, स्मार्ट TV, एंड्रॉयड TV, कैसा भी TV हो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। माउस काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको भी ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।